हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन विद दीप। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पैनिक रूम मूवी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है, जहां मूवी की शुरुआत में हम लीडिया और मैग को देखते हैं, जो शहर के अंदर अपने लिए घर देख रहे हैं। दरअसल यह घर मैग को चाहिए होता है, क्योंकि वह अपने हस्बैंड स्टीफन से अब अलग हो चुकी है। इसीलिए वह ऐसे घर में रहना चाहती है जहाँ पर वह खुश रह सके। मैग की एक छोटी बेटी भी होती है, जिसका सारा नाम होता है। इन लोगों को एक घर नजर आ जाता है, जो 1979 के आसपास बनाया गया था। यह घर काफी बड़ा होता है। सुरक्षा के मामले में भी घर में हर तरफ CCTV कैमरे लगे थे। मैग को यह घर पसंद आ जाता है, लेकिन उसकी बेटी सारा को नहीं आता, क्योंकि वह अपने पुराने घर में रहना चाहती है। लेकिन मैग अपने पुराने घर में नहीं जाना चाहती, और इसी वजह से वह इस घर को ले लेती है। साथ ही घर दिखाने वाला व्यक्ति इन लोगों को बताता कि इस घर में एक सुरक्षा कमरा भी है। दरअसल पुराने टाइम के लोग इस कमरे के अंदर अपनी जरूरत की चीजें रखा करते थे। यह एक तरह से बंकर ही होता है, जो स्टील की मोटी चादर से बना है। साथ ही साथ घर के सारे CCTV कैमरा की फुटेज को यहाँ पर देखा जा सकता है। इस कमरे की फोन लाइन भी सबसे अलग है, जो कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं होती। मैग एक ही पल में इस घर को खरीद लेती है, और अब उसकी बेटी सारा और मैग इस घर में रहना शुरू कर देते हैं। सारा बोलती है कि मुझे तो अपने पुराने वाला घर पसंद था। मैग बोलती है कि हम उस घर में नहीं जाएंगे, अब हमें यहीं पर रहना होगा, और कल मैं तुम्हारे लिए नया स्कूल भी देखूंगी। मैग रात को घर का थोड़ा बहुत सामान जचा कर सो जाती है, साथ ही साथ सारा भी सो जाती है। लेकिन रात को 1:30 बजे के आसपास इनके घर के बाहर 3 लोग आ जाते हैं। हालांकि घर के सारे दरवाजे लॉक होते हैं, और घर के अंदर आने का कोई चांस नहीं होता। ये दरअसल चोर होते हैं, और इनमें से एक चोर घर की छत की मदद से घर के अंदर एंटर कर जाता है, और बाकी दोनों चोरों को भी अंदर आने देता है। इन चोरों में ब्रनहैम जूनियर और रोल होते हैं। ब्रनहैम बोलता है कि तुम रोल को क्यों लेकर आए हो। जूनियर बोलता है कि ये वो काम करेगा जो हम नहीं कर पाएंगे, मैंने इसे पैसे से खरीदा है। साथ ही साथ ब्रनहैम बताता है कि इस घर के अंदर एक औरत और एक बेटी है जो सो रही है, इसीलिए मैं इस घर में चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पकड़े गए तो 30 साल की सजा होगी। लेकिन जूनियर और रोल बोलते हैं कि हम उन्हें संभाल लेंगे, तुम्हें बस तिजोरी खोलनी है। साथ ही साथ जूनियर बोलता है कि मेरी कंपनी से बात हुई थी कि वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले थे। इस घर को 2 हफ्तों बाद खरीदा जाने वाला था, लेकिन अब ये लोग आ चुके हैं तो हमें यह काम करना ही होगा, हमें चोरी करनी ही होगी। दरअसल इस घर के पैनिक रूम को बनाने वाला ब्रनहैम ही होता है, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह इस घर में चोरियां करने के लिए आया है। साथ ही मैग की भी आंखें खुल जाती हैं, और वह देखती है कि उनके पैनिक रूम का दरवाजा अभी भी खुला है, इसलिए वह उसे बंद करने के लिए जाती है। तो उसे CCTV फुटेज की मदद से पता चलता है कि घर के अंदर 3 चोर घुस आए हैं, इसीलिए वह जल्दी से अपनी बेटी सारा को जगाती है, और ये दोनों अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पैनिक रूम के अंदर जाकर बंद कर लेती हैं। वहीं चोरों को भी पता चल जाता है कि पैनिक रूम के अंदर दोनों माँ बेटी सुरक्षित हैं, और हमें जो चोरी करनी थी वो पैनिक रूम के अंदर से ही करनी थी। दरअसल यह जो घर होता है वह एक बहुत बड़े आदमी का हुआ करता था, लेकिन वह मर चुका है, और जूनियर उस बूढ़े आदमी के पास ही रहा करता था। लेकिन जो पैसा है, अगर जूनियर उसे सीधे तौर पर लेता है तो उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा, इसीलिए ही उसने चोरी करने का फैसला लिया है। और वह बताता है कि वहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं। अब इन चोरों के सामने यह मुश्किल आ जाती है कि वह इन दोनों को उस रूम से बाहर कैसे निकालें। जूनियर और रोल यहाँ पर छत को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह पैनिक रूम मोटी स्टील की चादर से बना है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रनहैम बोलता है कि मुझे पता है कि उन दोनों को बाहर कैसे निकालना है। वह दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद करता है, और यह छेद पैनिक रूम की AC से कनेक्ट होता है, और ब्रनहैम इसमें गैस छोड़ देता है ताकि वो लोग डर के मारे इस पैनिक रूम से बाहर आ जाएं। और जब मैग और सारा को पता चलता है कि रूम के अंदर गैस आ रही है, तब वे दोनों एक छोटे से होल की मदद से सांसें लेती हैं। यह होल सड़क की तरफ खुलता है, तभी मैग के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वह लाइटर की मदद से AC के अंदर चिंगारी लगा देती है। उस वजह से रोल, जूनियर और ब्रनहैम, इन तीनों के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे जूनियर का हाथ जल जाता है। साथ ही साथ मैग और सारा उस होल की मदद से देखते हैं कि सामने वाले घर में एक आदमी सोया हुआ है। ये लोग एक फ्लैशलाइट की मदद से उसके ऊपर लाइट ब्लिंकिंग करते हैं, लेकिन सामने वाले घर में सोया हुआ आदमी इस ब्लिंकिंग से परेशान होके दरवाजे खिड़कियां बंद करके फिर से सो जाता है। और इस तरह से सारा और मैग एक बार फिर से हार मान लेती हैं। तब तक ये चोर सारे दरवाजों को सील कर देते हैं, ताकि मैग और सारा किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकल पाएं। और उसी का मौका देखकर मैग रूम से बाहर आती है, और जल्दी से फोन को उठाकर वापिस अपने रूम में आ जाती है। लेकिन वह देखती है कि फोन के अंदर नेटवर्क है ही नहीं। तब तक ब्रनहैम और बाकी दोनों चोरों को भी पता चल जाता है कि मैग यहाँ से अपना फोन लेकर गई है, इसीलिए वो लोग फोन लाइन को काटने के लिए बेसमेंट में जाने लगते हैं। मैग भी अपने फोन की वायर को यहाँ पर मौजूद फोन लाइन की वायरों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और वह सीधा पुलिस को कॉल करती है, और वह पुलिस को इतना ही बता पाती है कि मैं इस जगह पर रहती हूँ और मेरे घर में 3 लोग आ चुके हैं। उसके बाद वह अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है, जहाँ स्टीफन को बताती है कि मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी जान बचा लो। आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ब्रनहैम फोन की वायर को काट देता है। वहीं बाहर खड़ा जूनियर नाम का चोर भी बोल देता है कि अब मेरे से नहीं होगा, वो लोग किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने वाले, अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो हम मारे जाएंगे।
इसीलिए मैं चोरी नहीं करने वाला और मैं वापिस जा रहा हूँ। साथ ही साथ वह जिस रोल नाम के बंदे को लेकर आया था उसे भी पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। और जूनियर जब यहाँ से जाने लगता है तब रोल के पास एक गन होती है और रोल इस गन की मदद से जूनियर को मार देता है। साथ ही साथ वह ब्रनहैम से भी बोलता है कि तुम भी कहीं नहीं जाने वाले, हम दोनों यह चोरी करेंगे और जितना भी पैसा होगा मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा। लेकिन तब तक स्टीफन यहाँ पर आ जाता है क्योंकि मैग ने स्टीफन को कॉल किया था और रोल को पता चल जाता है कि यह स्टीफन है जो मैग का हस्बैंड है। इसीलिए ये लोग कैमरे के सामने ले जाकर उसे बहुत पीटते हैं ताकि मैग जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाए। हालांकि ब्रनहैम रोल को ऐसा ना करने के लिए बोलता है कि यह आदमी मर जाएगा, लेकिन रोल ब्रनहैम की एक भी बात नहीं सुनता और स्टीफन को मारता रहता है। और मैग और सारा पैनिक रूम में बैठकर यह सब देखती रहती हैं, वो बाहर नहीं आती। तभी सारा को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है और मैग उसका इंजेक्शन भी अपने साथ लेकर नहीं आई थी, इसीलिए वह इंजेक्शन लाने के लिए इस कमरे से बाहर चली जाती है। और वह जब इंजेक्शन लेकर आने लगती है तब तक रोल और ब्रनहैम को पता चल जाता है कि मैग रूम से बाहर निकल चुकी है। इसीलिए ब्रनहैम सीधा पैनिक रूम में जाता है जहां देखता है कि सारा नाम की लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जब मैग उसके इंजेक्शन को लेकर आ रही थी तब पीछे से रोल उसके ऊपर हमला कर देता है और वह मैग को नीचे गिराकर खुद उस पैनिक रूम में जाने लगता है। लेकिन मैग भी बहुत चालाक होती है, वह पैनिक रूम के अंदर उस इंजेक्शन को फेंक देती है और पैनिक रूम बंद हो जाता है। अब पैनिक रूम के अंदर सारा, रोल और ब्रनहैम है। रोल के हाथ से गन गिर गई थी, अब वह गन भी सारा के पास है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि रोल का हाथ दरवाजे के अंदर फंस जाता है, इसीलिए ब्रनहैम मैग से माइक के द्वारा बोलता है कि तुम दरवाजे से दूर खड़ी हो जाओ। मैग बोलती है कि मैं दूर हो जाऊंगी, पहले मेरी बेटी को इंजेक्शन दे दो। ब्रनहैम बोलता है कि हम इंजेक्शन दे देंगे, आप बंदूक रखकर दूर हो जाइए। और मैग जब दूर हो जाती है तब ब्रनहैम इस दरवाजे को खोलकर रोल के हाथ को निकाल देता है और दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। मैग रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी बेटी को इंजेक्शन दे दो, नहीं तो वो मर जाएगी। तब ब्रनहैम इंजेक्शन देने का फैसला करता है और वह किसी तरह करके सारा को इंजेक्शन दे देता है और सारा नॉर्मल होती है। और तब ब्रनहैम पैनिक रूम के अंदर मौजूद तिजोरी को खोलने लगता है, लेकिन तभी इस घर के अंदर पुलिस भी आ जाती है। सारा दरवाजा खोलने के लिए जाती है और पुलिस वालों को बोलती है कि सुबह के 4 बजे हैं, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपने हमें फोन किया था कि आपके घर में 3 लोग आ चुके हैं। सारा बोलती है कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था और शायद मैंने ड्रिंक करके ये बात बोल दी होगी, मुझे माफ कर दो। ये पुलिस वाले मैग से बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आंखों का इशारा कीजिए। सारा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है और ये पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। सारा यहाँ पर स्टीफन को भी संभालती है जो जिंदा होता है और वह उसे कुर्सी पर बिठाकर उसे गन देती है और बाकी घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि ब्रनहैम एंड रोल जब भी वापिस आए वो इसी रास्ते से यहाँ पर आए। वहीं पैनिक रूम के अंदर मौजूद ब्रनहैम और रोल, इन दोनों ने चोरी कर ली है। इन दोनों को यहाँ पर बॉन्ड मिलते हैं जिनकी अनुमानित कीमत 22 करोड़ रुपए होती है और ये लोग इन बॉन्ड्स को लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। इनके पास सारा होती है और दरवाजे बंद होने की वजह से ये लोग उसी रास्ते से बाहर आते हैं जहाँ सामने स्टीफन गन लिए बैठा हुआ होता है। और स्टीफन बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। और उसी वजह से डर के मारे ये दोनों चोर सारा को छोड़ देते हैं। तभी पीछे से मैग हथौड़ा लेकर आती है और वह आते ही रोल के ऊपर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से रोल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ब्रनहैम किसी तरह यहाँ से बॉन्ड्स को लेकर भाग जाता है, लेकिन रोल सीढ़ियों से गिर चुका था, उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वह वापिस आता है और वह स्टीफन और मैग इन दोनों को मारना शुरू कर देता है। साथ ही एक बड़े हथौड़े की मदद से वह मैग को मारने ही वाला था। तभी ब्रनहैम यहाँ पर वापिस आता है और वह रोल को गोली मार देता है जिससे रोल वहीं पर मर जाता है और खुद यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी यहीं पर पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि मैग ने उन्हें पलक झपकाकर इशारा कर दिया था कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। और वो लोग भागते हुए ब्रनहैम को पकड़ लेते हैं और ब्रनहैम के हाथ में जो नोट्स थे वो हवा में ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कागज के टुकड़े हों और इस तरह सारा, मैग और स्टीफन इनकी जान बच जाती है। वहीं बाद में सारा अपनी मॉम से बोल रही है कि हम कोई नया घर देखेंगे जो बड़ा ना हो, जो बहुत छोटा हो। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों आपसे मुलाकात करेंगे और भी मूवीज के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।